नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, एक ऐसी जोड़ी मेरे साथ मौजूद है जिसकी फिल्म के नाम में ही उनकी ट्यूनिंग बैठती है। जी हाँ, बनारस नाम है, और जिस तरीके से इन जोड़ी का जो रस देखने को मिलेगा पर्दे पे आपको, कॉमेडी का, एक्शन का और लव स्टोरी का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मेरे साथ जैद है, मेरे साथ सोनल है, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो नाम है ना बनारस, ये रस बना है जो प्योरिटी का, एक एक्शन का, एक लव का, उसको कैसे देख रहे हैं आप? सर, टाइटल के बारे में अगर बताना पड़ेगा तो लाइक स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज थे हम लोग कि टाइटल कौन सा रखें, क्या रखें, जस्टिस नहीं दे रहा था। बिकॉज 80% हम लोग प्लान कर लिए थे कि हम लोग बनारस में शूट करेंगे, और इसके अंदर हर चीज़ है, एक्शन है, कॉमेडी है, सस्पेंस है, थ्रिल है, सब चीज़ है इसके अंदर। सो कैसे जस्टिस करेंगे करके फिर सजेशन आए कि बनारस रखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, सुनने में भी पॉजिटिविटी है। तो 40% शूट कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने टाइटल बनारस रखा, और बनारस में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सर, हमें बहुत एक्सप्लोर करने को मिला। हम लोग मेरा पहला विजिट था जब हम लोग बनारस गए, और पहले स्टार्टिंग में प्लान नहीं था कि हम लोग बनारस में पूरी पिक्चर ऑलमोस्ट 80% हम लोग वहाँ पर ही शूट करेंगे करके। लेकिन वहाँ का जो एक वातावरण, वहाँ का जो एक माहौल देख कर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग पूरी पिक्चर हम लोग वहीं पर ही करेंगे। सुधर, ये जो रस बताएं, देखिए इसका नाम है बदा रस, और ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है जिस तरीके से ट्रेलर्स आया। खैर, फिल्म हम 4 तारीख को देख पाएंगे, लेकिन ये रस कितना एंजॉय किया आपने? बहुत बहुत एंजॉय किया है मैंने एक्चुअली दिस फिल्म। और मैंने दिस इज माय 10th फिल्म और फर्स्ट पैन इंडियन फिल्म है, सो बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि मेरा फर्स्ट पैन इंडियन फिल्म है। और एंड इफ आई टॉक अबाउट द शूटिंग प्रोसेस, बहुत बहुत इन्जॉय किया है हम लोगों ने। और मेरा कैरेक्टर भी इतना यू नो इज़ अ वेरी स्वीट कैरेक्टर, बहुत इनोसेंट कैरेक्टर प्ले करती हूँ, और बहुत ये लड़की लोग मेरे कैरेक्टर से बहुत कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ, तो यू नो ये होमली कैरेक्टर से बहुत फास्ट ये लड़की लोग कनेक्ट होते हैं ना, तो ऐसा कैरेक्टर प्ले करती हूँ मैं, और वेरी रियलिस्टिक कैरेक्टर है। और हमारे कैरेक्टर से लड़के लोगों को एक मैसेज भी है। हमारा कैरेक्टर से देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज टू द बॉयज। सो आई थिंक वी एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ शूटिंग, एंड एज यू सेड, एंड स्पेशली बनारस में उन्होंने खा लिया स्वीट्स में। हां, बहुत स्वीट्स खाती थी मैं वहां। अच्छा जैद भाई, ये बोल सकते हैं कि इस फिल्म के जब मूवी रिलीज होगी तो जो मिजाज होगा वो कन्नड़ होगा, और जो दिल होगा वो बनारस का देखने को मिलेगा? बिल्कुल 100%। तो सोनल कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो इसके अंदर दिल है वो बनारस का दिखेगा और जो मिजाज है आप लोगों का कन्नड़ का दिखेगा? हाँ, जब चार, इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ना। तो सी, कन्नड़ा में बहुत फिल्म्स आए हैं और साउथ का सब प्लेसेस कैप्चर किया है, इंटरनेशनली बहुत शूट किया है, बट एक्चुअली बनारस इज अ बहुत वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, इतना एक्सप्लोर नहीं किया है किसी ने भी। सो हमारे फिल्म में एक एक शॉर्ट पेंटिंग की तरह दिखेगा आप लोगों को, और विजुअल ट्रीट है। और सी, बनारस इज नॉर्मली फेमस फॉर बनारसी साड़ीज और बनारस पान या स्वीट्स, बट हाँ, चाय ऑफ कोर्स, द मड़का चाय, बट हम लोगों ने बनारस में इतना थिंग्स है जो लोगों को पता नहीं है, सो वो सब हम लोगों ने इस फिल्म में दिखाया है। सो कन्नड़ा ऑडियंस तो बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि उन लोगों का लैंग्वेज में, हमारा लैंग्वेज में, कन्नड़ा लैंग्वेज में लेकिन अभी टाइम बदला है और हम बोलते हैं ये पैन इंडिया एक्टर है, इंडियन एक्टर, ये पैन इंडिया एक्टर है। तो आपको लगता है कि ये जो डेफिनेशन चेंज हुई है, एंड एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग आई गेस, जो साउथ के हैं वो भी पैन इंडिया है, जो बॉलीवुड के हम कहते हैं कि ये भी पैन इंडिया है, तो यू आर एंजॉयिंग द न्यू डेफिनेशन? यस सर, आई थिंक आई एम वेरी लकी, मैं बहुत लकी हूँ, आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड। पता नहीं किस जन्म का मैंने कौन सा अच्छा पुण्य का काम किया है, या फिर मेरे माता पिता ने अच्छा काम किया, बिकॉज अभी जो इंडस्ट्री एक हो गई है, इट इज़ अ पैन इंडियन फिल्म, आई थिंक इट इज़ वेरी गुड, ये होना ही था, बट अच्छा हुआ, हो गया। अच्छा, 2016 के बाद जो आपने मैराथन करी थी घर से, और उसके और उसके बाद जो ये खत्म हुई है रेस, और रेस खत्म होने के बाद जो इतना अच्छा रस आपको प्योरिटी का मिला है बनारस में, तो आपको लगता है कि जो वो अच्छा था जो मैराथन शुरू हुई थी वो? बिल्कुल सर, मैं बहुत क्लियर था मेरे विजन पर कि मुझे एक्टर ही बनना है, और मेरे 7 साल लग गए मेरी जिंदगी के, मैंने 7 साल दिए
ये कंटेंट के लिए, बिकॉज आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि मुझे इस तरीके की कंटेंट चाहिए, इस तरीके का कैरेक्टर चाहिए, इस तरीके के सॉन्ग्स चाहिए मेरी पिक्चर के अंदर. तो 7 साल लगे एक डायरेक्टर को और एक स्टोरी को लॉक करने में मुझे. मेरी नसीब ऐसी थी कि अगर अच्छा डायरेक्टर मिलता था तो अच्छी स्टोरी नहीं मिलती थी, अच्छी स्टोरी मिलती थी तो अच्छा डायरेक्टर नहीं मिल पाता था. अगर दोनों का कॉम्बिनेशन अगर बैठ के आता था तो वो डायरेक्टर 2 या 3 साल के लिए कोई और एक्टर के पास ब्लॉक हो जाता था. अच्छा, इस फिल्म एक फिल्म ना धरोहर की तरह भी रखी जाएगी जब प्रदर्शनी होती है ना, कहते हैं कि उसमें रखी जाएगी, क्योंकि जस्ट इसके बाद कॉरिडोर का काम शुरू हो गया था, मोदी जी ने कर दिया था. हाँ. और उससे पहले आपने सब कुछ दिखा दिया है, जो पुरानी बिल्डिंग्स है, बिल्कुल, बिल्कुल. पुरानी इमारत है वहाँ पे, जो पुराने मंदिर है सब देखने को मिलेंगे. तो ये एक धरोहर की तरह होगा जिसको एकदम रखा जाएगा कि देखो अगर कुछ देखना है पुराना बनारस फिल्म, ऑथेंटिक बनारस देखना है तो बनारस फिल्म देखना है. परसों बनारस में थे सर, हम लोग बनारस गए थे प्रमोशंस के लिए, और ऐसे ही हम लोग बात करते करते हम लोगों ने सोचा कि आरती पूजा करने के लिए चलते हैं घर के. तो हम लोग आरती पूजा करने के लिए गए तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि सब चीज बदल गया है, आर्किटेक्चर बदल गया है, पेंटिंग बदल गई, एकदम पूरा मॉडर्न हो गया है. वो मजा नहीं आ रहा था जो हम लोगों ने जो एंजॉय किया, जो ओल्ड काइंड ऑफ इसके लिए, वो अभी द रियल काशी हम लोगों ने देखा, काशी हम लोगों ने कैप्चर कर लिया. अच्छा, जब आप शूटिंग कर रहे थे तो आंख अपने आप खुल जाती, क्योंकि वहाँ पे सुबह से ही भगवान का नाम स्टार्ट हुआ. हाँ. और 6:30 बजे की आरती तो आप दोनों ही मेरे ख्याल से अटेंड करते थे. 100%. हाँ. तो वो क्या था, एक प्योरिटी कैसे, मतलब पॉजिटिव वाइब्स जो आती है वहाँ पे. सी 100%, हम लोगों को 40 days और व्हाटएवर 60 days दैट वी वर देयर, एवरी डे वॉज पॉजिटिविटी. एवरी डे हम लोग शूटिंग स्टार्ट करते थे विद पॉजिटिव एनर्जी, विद स्पिरिचुअलिटी. सो यू नो, और बहुत पीसफुल जगह है. नॉर्मली आप शूटिंग सेट पे जाते हो तो बहुत साउंड होता है, ये लाइट बॉयज स्क्रीम करते हैं, यहाँ माइक में जोर से कुछ बात करते हैं, बट हम लोग इतने दिन थे वो जोर से बात करने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उतना स्पिरिचुअल जगह है. 40 डेज इतना साइलेंटली शूट किया, और फर्स्ट टाइम मेरा लाइफ में इतना साइलेंट सेट देखा था मैंने, क्योंकि नहीं तो हम लोग शूट करेंगे तो इतना साउंड किच किच, बट बनारस में इतना प्योर प्लेस है कि हम लोगों को वो जोर से बात करने का वो मन ही नहीं कर रहा था. सो आई थिंक वी एंजॉयड एवरी डे, एवरी बिट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी देयर. ये तो पक्का है कि अगर टाइम ट्रेवल हुआ तो आप सबसे ज्यादा वक्त मेरे को लगता है बनारस में बिताना चाहेंगे. yes. क्योंकि, और आप तो दोबारा गए भी थे, और कैसा लगा, क्योंकि आप गवाह बने पुराने काशी के और नए काशी के. तो मोदी जी ने जो अभी चेंजेस की हैं वो आप देख ही रहे हैं, और उससे पहले आपने शूट किया, तो कैसा है नया बनारस आप? सर, एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, ओल्ड इज गोल्ड. हाँ, ट्रू. वो पुरानी बात नहीं आती है सर. जी डेफिनेटली मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, डेवलप किया है, बहुत अच्छी तरीके से किया है, लेकिन वो जो पुरानी काशी को पुरानी काशी रहना चाहिए था. तो 80% शूट होने के बाद आपको क्या लगता है वहां पे, क्योंकि ये जो फिल्म है आपको लगता है कि टैक्स फ्री भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा हमने बनारस में शूट किया, यूपी बहुत दिखा इसके अंदर, और ऐसी फिल्में जो होती हैं जिसमें इतना कुछ देखने को मिलता है यूपी का, बनारस का, तो आपको लगता है कि हाँ आपने अप्रोच किया टैक्स फ्री के लिए? नहीं सर, हम लोगों ने अप्रोच नहीं किया इसके ऊपर, हम लोगों ने कभी यूपी गवर्नमेंट से बात नहीं. हम लोगों ने यूपी गवर्नमेंट ने हम लोगों को बहुत अच्छा सब्सिडी दिया है. यूजुअली दूसरे लोगों को बहुत कम देते हैं, लेकिन हमारी पिक्चर को टाइटल भी बनारस था, और 80% हम लोगों ने बनारस में ही शूट किया था, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सब्सिडी दिया है उन्होंने. अच्छा, एक बात आपके साथ ये अच्छी हुई कि आपको वेज बना दिया बनारस ने. हाँ. और आपने जो आपके तो खैर खा के वेट भी बढ़ गया था, आपने एक बोला कि बहुत स्वीट्स, नॉन वेज नहीं खाते थे हम लोग स्वीट्स ज्यादा खाते थे ना, ये मेंटेन कर रहा था अच्छा सा, ये अब स्वीट्स लेकर रखता था और मेंटेन कर रहा था, मैं खाती थी उतना ही. वहाँ पे चाय की एक दुकान है, आपने देखा होगा, जब आपको कुछ नहीं पता होता ना लोगों को, तो उस चाय की दुकान पे बैठ के ना पूरा बनारस और पूरी इंडिया की बातों को जान सकते हैं, सब पता है. हाँ. तो वो भी आपने बिल्कुल कपड़े लड़ाना ईशान पैकर के बाद क्या काम था सर, हमें एक्सप्लोर करना, घूमना, मतलब कुछ ना कुछ शॉपिंग करना या फिर कुछ खाना, बनारसी सारीज नहीं थी हमें जगह, तो मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है. तो चाय की टपरी पर वहाँ पर बैठकर गप्पे शप्पे लड़ाना, बात करना इसके बारे में उनके बारे में, और उनको सब पता होता है, हर चीज पता होती है. अच्छा सुनो ना, आप बहुत इंस्पायर्ड हैं श्रीदेवी से, और उनकी मूवी सदमा वो उससे भी आप बहुत अपने आप को प्रेरित मानते हैं, इंस्पिरेशन. तो कैसे देखते हैं उनका, क्योंकि वो भी वहीं से जहाँ से आप हैं, और इतना माइलस्टोन उन्हें फिल्में दी है. अगर इफ यू गॉट अ चांस टू वर्क इन एनी ऑफ अवर फिल्म्स, सो क्योंकि मुझे पता है आपको सारी फिल्में उनकी हैंड्स पे होंगी, तो कौन सी? आई लाइक सदमा ओनली.
अच्छा क्योंकि एक्चुअली मैं इंडस्ट्री के व्हेन आई वांटेड टू एंड आई मीन मेरा ड्रीम नहीं था इंडस्ट्री को आने, मेरा मम्मी का ड्रीम था. और रात में व्हेन वी यूज्ड टू स्लीप शी यूज्ड टू ऑलवेज शो मी श्रीदेवी वीडियोस. शी यूज्ड टेल मी सोनल आई वांट यू टू बी लाइक हर. सो तब व्हेन आई वॉच सदमा that is when it is a very challenging role, you know, that mentally retarded role is not a joke. bahut bahut challenging. aur I think even in Barfi Priyanka Chopra correct. ne bhi ye character play kiya hai. so I think I have told everywhere if I get a chance I want to play a character like, and she's always been the lead. if you have observed, you know, itna films english winglish hone do, all these films she still ruled her character. so ha तो आई थिंक इफ आई गेट अ चांस तो सदमा का ही कैरेक्टर प्ले करना चाहती हूं. जैद भी सलमान खान से बहुत इंस्पायर्ड हैं. और इफ यू गॉट टू बिकॉज़ एक्शन बहुत हमें देखने को मिल रहा है आपके इसमें ट्रेलर्स में, फिल्म में कितना देखने को मिलेगा ये तो हम 4 तारीख को देखेंगे, लेकिन इफ यू गेट एनी चांस टू वर्क इन एनी ऑफ सलमान फिल्म्स बिकॉज एक्शन से भरपूर होती है, तो कौन सी फिल्म होगी जैद भाई? अगर चांस मिला तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे पिक्चर करूंगा मैं, बट पर्टिकुलर अगर मुझे बताया तो 3 फिल्में करूंगा, तेरे नाम, बजरंगी भाईजान एंड एकता टाइगर. अच्छा भाई, जब आपने सोनल की पिक्चर देखी थी तो आपने कहते नहीं, लेकिन आपको पता नहीं था कि 2013 में ब्यूटीफुल स्माइल का इनको ब्यूटीफुल स्माइल का भी मिला हुआ है और 2015 में कौन कौन भी बनी हुई है, ये पता नहीं था आपको? नहीं पता नहीं था सर, बिकॉज हम लोग ऑडिशन कर रहे थे, 1500 लड़की लोगों को हम लोगों ने ऑडिशन किया, बट डायरेक्टर के थ्रू से रिजेक्ट हो गए. बट फाइनली सर ने एक दिन कॉल किया, सर ने बोला कि हीरोइन सेलेक्ट हो गई. बोला कौन है सर करके, उसका नाम सोनल है. सोनल मैंने तो कभी सुना नहीं है सर, आपके पास फोटो है तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा करके. एंड ही इज नॉट इवन वन ऑफ माय हिट फिल्म्स आल्सो ही इज नॉट वॉच्ड दैट टाइम. तो इमीडिएटली सर ने फोटो भेजा, मैंने फोटो देखा, जूम किया, बोला ठीक है ओके. मैं सर को वापस कॉल किया, सर मुझे लड़की समझ में नहीं आई, मैं नहीं करना चाहता इसके साथ करके. सर वाज वेरी पर्टिकुलर एंड एडमेंट कि मुझे यही चाहिए करके. फाइनली लास्ट में सर ने तो ये बोल दिया कि अगर तू नहीं तो चलेगा, मैं कोई दूसरे हीरो को कास्ट कर लूंगा, लेकिन मुझे हीरोइन तो यही चाहिए करके. अब वो तो कैप्टन ऑफ द शिप है. लेकिन सोनल आप बता दो, जो समझ में नहीं आती है दिल में आती है, देखिए आज कितनी अच्छी बॉन्डिंग है. नो सच में एक्चुअली वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स इवन ऑफ स्क्रीन, बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हम लोग. और मेरा एडवाइजर भी है टू बी फ्रैंक, मैं कुछ है तो मैं उसको फोन करती हूँ, बहुत बहुत अच्छा एडवाइस देता है. बहुत दिनों का सैलरी देके सोनल आपकी बहुत तारीफ करती है हर जगह की, अगर किसी से कोई केयर अच्छा कर सकता है ना वो जैद है. और इसके बाद भी अगर कोई फिल्म किसी को स्टार के साथ करेगी तो आप ऐसी करेंगे कुछ ऐसी आप सी सी हाउ नाइसली आई टॉक अबाउट यू, टॉक गुड अबाउट मी आल्सो, देयर शुड बी समथिंग टू टॉक. Should I start? अच्छा दोनों को अगर मौका मिला time travel करने का और तो कौन सा क्या करना चाहेंगे आप और कहाँ जाना चाहेंगे? I think I don't want to go to the past क्योंकि past में हाँ ups and downs रही है, but I think because of those downs मैं एक lesson भी सीखी हूँ, so past नहीं जाना है मुझे. future का surprise भी I don't want to spoil, so I want to live in my present. present में अच्छी हूँ मैं. Yes, I think I will go to the future. इसके लिए क्योंकि मुझे सुपरस्टार बनना है बाय हुक और बाय क्रूक. अगर कोई एक गलती की वजह से या फिर कोई एक फिल्म की वजह से या क्या कोई एक इसकी वजह से एक मिस्टेक की वजह से अगर मैं सुपरस्टार ना बन रहा हूँ तो आई थिंक आई विल चेंज दैट एंड आई विल बिकम अ सुपरस्टार. देखिए ये अपने आप को बहुत सेफ खेल रहे हैं और ये देखिए टाइम ट्रैवल बातें लोग हो रही है कि ये फिल्म टाइम ट्रैवल है, लेकिन इसके अंदर कुछ पार्ट मेरे को लगता है टाइम ट्रैवल का, लेकिन जो आपकी जो केमिस्ट्री है उस पर बहुत ज़्यादा बात इसलिए होनी चाहिए क्योंकि लोग जब आपकी केमिस्ट्री पसंद करते हैं तो आपकी होप्स दोबारा बनारस 2 बनारस 3 ऐसे बढ़ती है. तो ऐसा कोई पार्ट रह गया भाई जो शूट नहीं हुआ है और आपने शूट करके रख लिया है कि यस इसके बाद पार्ट 2 जो आएगा उसके अंदर ये सब दिखाया जाएगा? हाँ, क्योंकि बनारस इतना बड़ा है आप एक फिल्म के अंदर उसको बिल्कुल सर बहुत सारा पोर्शन है. आई थिंक और 2.5 घंटे की पिक्चर है जो हम लोगों ने, लेकिन एक ही पिक्चर में हम लोग दिखा नहीं सकते थे, बट वी कांट हेल्प इट. क्लाइमैक्स का इंटरवल का जो एंड होती है पिक्चर, इट इज़ अ हैप्पी एंडिंग नाउ. हम लोगों ने हैप्पी एंडिंग रख दिया है, तो एक टेंशन क्रिएट करके भी हम लोगों ने एक पोर्शन शूट किया था. बट सब लोगों का ओपिनियन आया कि नहीं भाई तुमने बहुत पिक्चर में खेल लिया है, बहुत ऑडियंस को टेंशन में डाल दिया है, बस काफ़ी है, खुशी खुशी ऑडियंस को बाहर जाने दीजिए. भाई रांझना भी ना वाराणसी में शूट हुई थी, वो भी लव स्टोरी थी
और उसके डायलॉग जो ये था कि अगर मैं दोबारा जन्म लेना चाहूँ तो वाराणसी हो, ऐसी कौन सी एक चीज आपके दिल में है जो आपको दोबारा बार बार कहती है कि यस काशी बनारस ले जाती है, क्योंकि दैट्स अ मैग्नेटिक इफेक्ट वो खींचती है। आई थिंक सर मुझे एक चीज वहाँ की बहुत पसंद आई, वहाँ पर 84 घाट्स हैं और 84 घाट्स में भी टेम्पल्स हैं, सो एक उसके पीछे एक दो या तीन मस्जिद है मॉस्क जी। मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये आया कि जब अजा हो रही थी जी, नमाज का टाइम हुआ था जब अजान हो रही थी, तो सारे हिंदू भाई लोग वेट कर रहे थे कि अजान खत्म हो जाने दो, उसके बाद हम लोग पूजा शुरू करेंगे। और दो तीन दिन के बाद मैंने ये भी एक दिन देखा कि हिंदू भाई लोग पूजा कर रहे हैं तो मुस्लिम भाई लोग वेट कर रहे हैं। मेरी आंखों से, मैंने सुना था लेकिन सुनने में देखने में बहुत फर्क होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो चीज मुझे बहुत पसंद है। मतलब एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग है, मतलब बात नहीं करते वो लोग, उन्होंने कभी भी फोन करके बोला कि हम लोग पूजा कर रहे हैं, रुका तो नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं भाई 84 घाट की आपने पूरा कवर किया है और 84 परिक्रमा, कहते हैं ना कि आप एक बार 84 घाट या 84 परिक्रमा कर लो तो आप समझ लो कि आपने हिंदुस्तान की परिक्रमा कर ली। बिल्कुल, तो इसमें ऐसे हुआ कि आपने शूर तो बनारस में किया लेकिन आपने पूरा हिंदुस्तान घूम लिया है। हाँ। क्योंकि गाती भी बहुत अच्छा है, और अगर आप दो अल्फाज सोनल हो जाए, बिकॉज मैंने आपको गाते हुए देखा है कॉन्फ्रेंसेस में और अच्छा रिसर्च किया है। हां हां, ही इज डन अ वेरी गुड रिसर्च, बट आई Can I sing it in Kannada? बिल्कुल बिल्कुल, जो आवाज दिल से आती है ना वही कनेक्ट होती है, जो आपके दिल से आवाज आ रही है वही गुनगुना दीजिए। But I want you to sing some Shridevi ji ka song. I'll sing Maya Ganga. चल। माया गंगे मौनिया तड़े भाषिकुरा काली काली हीगे दाखले ನಾನು ಗಂಗೆಯು ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಗಂಗೆಯು ಅನ್ನೋ ಸಂಶಯ ಮೂಡಿದೆ ಈಗ ದೇವರೂರಿಗೆ ನಾನು ದಾರಿ ಹೋಗನ ಅನ್ನೋ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿರೋ ಯೋಗ ದೇಖಿಯೇ ಸಬ್ಸೆ ಅಚ್ಚಾ ಡಿಸಿಷನ್ ರಹಾ ನಾ ಅಪ್ನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಿ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಕಹತೆ ಹೈ ನಾ ಶೆಫ್ ಜೋ ಹೋತಾ ಹೈ ನಾ ಉಸ್ಕಾ ರಾಸ್ತಾ ಪೇಟ್ ಸೆ ಹೋಕೆ ನಿಕಲ್ತಾ ದಿಲ್ ತಕ್ ಲೇಕಿನ್ ಜೋ ಸಿಂಗರ್ ಹೋತಾ ಹೈ ನಾ उसका सीधा यहाँ से होता है। सर सीरियसली बता रहा हूँ, हमें पता नहीं था कि इतने इतना अच्छा गाती है करके, अगर पता होता तो डेफिनेटली वही बोलेगा। डेफिनेटली। अच्छा भाई जाते जाते बिकॉज एक पॉजिटिव फिल्म है और उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, कहते हैं ना कि गूज बम्स होते हैं, और आप जो देंगे जो बनारस को हमने शूट किया, इट बी अ गूज बम्प फॉर द कन्नड़ ऑडियंस, फॉर अस आल्सो। सर एक पोर्शन है इंटरवल के बाद और प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स, ये एक ऐसा पोर्शन रहेगा, सारे ऑडियंस विल बी द एज ऑफ द सीट, डेफिनेटली आई कैन प्रॉमिस यू फॉर दैट। सोनल जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉजिटिव फिल्म विद अ पॉजिटिव मैसेज ऑल्सो, 4 नवंबर को मिलने वाला है वो, सब कुछ नहीं बोल सकते लेकिन ऑडियंस से कनेक्ट करके कुछ तो आप अपनी बात को रख सकते। आई कैन ओनली से दैट बनारस एक कंप्लीट पैकेज है, तो एक ऑडियंस को एक एक्सपेक्टेशंस रहता है थिएटर जाने के टाइम पर, सो वो सब एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता है ये फिल्म, दैट्स फॉर श्योर, एंड इट्स अ प्रॉमिस दैट 2.5 hours यू विल एंजॉय, एंड एज ही सेड द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म यू विल बी ऑन द एज ऑफ द सीट, सो प्लीज प्लीज गो एंड वॉच द फिल्म ऑन द 4th of November इन योर नियरेस्ट थिएटर्स एंड गिव अस अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। लव एंड सेम थिंग, आई थिंक सोनल ने पूरा बता दिया है, नवंबर 4th को पिक्चर रिलीज हो रही है, प्लीज आप सब लोग थिएटर पर आकर पिक्चर देखिएगा, और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहे करके मैं पूछता हूँ। चलिए हम भी यही कहेंगे, 4 तारीख बहुत दूर नहीं है, सोनल में बटरफ्लाई जरूर होंगी, स्टमक में इधर नर्वसनेस होगी, लेकिन उसके साथ एक खुशी भी है कि एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और उस फिल्म को अगर आपको देखना तो 4 नवंबर बहुत दूर नहीं है, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किटी पार्टीज की फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ जाना चाहते हैं जाके देखिए, क्योंकि एक पॉजिटिव मैसेज भी है, और जिस तरीके से रंग बना है, रस बना है, उस तरीके से केमिस्ट्री भी बनी है, और केमिस्ट्री देखने लायक है जिस तरीके से ट्रेलर्स में हमें दिख रही है, तो आप जाइए थिएटर्स में 4 तारीख को और इस केमिस्ट्री को देखिए, इसमें जितने भी रस है आपको पसंद आने वाले हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, नमस्कार।